गणपति बापा मोरिया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज मैं बात करने वाली हूँ की जहाँ पर हमें काफी सारे ड्रामेटिक सीन्स देखने को मिल रहे हैं जी आपको बता दूं कि कहानी में अब तक हमने देखा कि किस तरह से इस बार वो मार्क्स मैन के पीछे जो चेहरा था वो किसी और का नहीं बल्कि गोपाल का था और यहाँ पर हमें भी शौक लगता है की भाई अचानक से गोपाल यहाँ पर क्या कर रहा है और आपको बता दूटर ऑन स्क्रीन न्यूटन करेक्ट आंसर कहना ji, जब आपने आंखें एक जैसी बनाई काली और सफेद तो हमने भी सपने सब सबकी तरह देखे पर उन सपनों को पूरा करने का रास्ता वो अलग अलग क्यों बनाया Come on मिश्री अब तुम हार गई हो तो बहाने मत बनाओ प्लीज मान लो ना कि तुम डिजर्व नहीं करती हो जीतना कि गोपाल को उसके किए की सजा भी मिल गई है जो उसने किया नहीं है एक्चुअली में और कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मिश्री भी ये मानने को तैयार नहीं कि गोपाल ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी क्योंकि आज भी मिश्री को उस गंदे आदमी का टच याद है उसकी वो गंदी टच याद है इस वजह से मिश्री यहाँ पर अभी भी सोच में बेहद परेशान है कि जरूर गोपाल की ये कोई गलती नहीं है यहाँ पर मिश्री बिल्कुल श्यौर है कि कोई मजबूरी में ही आकर गोपाल ने ये सारी चीजों को अपने पर लिया है वरना गोपाल ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता तो वही कहानी में हमें देखने को मिल रहा है कि इस बार सभी घरवालों के सामने ये सच्चाई आ गई है कि और राघव पति पत्नी नहीं है और, और, और मिश्री राघव और वानी ने मिलकर ये सबको जान प्लानिंग प्लॉटिंग की थी ताकि वो मिश्री के गुनहगार को सजा दिलवा सके और अब जब सजा मिल गई है तो उन्होंने सारी सच्चाई सबके सामने ला रख दी है तो भाई आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई अचानक से पर ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और हम देखते हैं कि रंजीत जो है ढोल नगाड़े बजवाते हुए घर में डांस करते हुए आता है और यहां पर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आखिर ऐसी कौन सी बात है जो रंजीत इतना खुश है तो यहाँ पर आपको बता दू की रंजीत सभी घर वालों को एक बेहद बड़ी खुशी देता है वो बताता है की वो बाप बनने वाला है जी हाँ सुप्रिया माँ बनने वाली है और यहाँ पर भाई अब तक सुप्रिया जो है काफी टेंशन में थी और रंजीत को सजा देना चाहती थी लेकिन अचानक से कहानी ही बिल्कुल पलट गई है जी हाँ हम देख सकते हैं किस तरह से रंजीत ने पहले सुप्रिया को इमोशनली ब्लैकमेल किया और उससे कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूँ मुझसे जो भी गलती हुई मैं उसे सुधारना चाहता हूँ इस वजह से सुप्रिया इस बार रंजीत की बातों में आकर गोपाल पर सारा ब्लेम डाल देती है और हम देख ही सकते हैं कि किस तरह से गोपाल ने सारा ब्लेम अपने पर ले लिया है और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा की इस गणपति विसर्जन के दिन इस बार रंजीत ने मिश्र के खिलाफ एक बेहद बड़ी साजिश रची है लेकिन वो साजिश क्या है ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा